एक बार फिर से कोरोना का डर लोगों में पसरने लगा है। आपको बता दें, 4 महीने के बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं और केंद्र सरकार ने 6 राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को 5-फोल्ड स्ट्रेटजी के तहत टेस्ट, ट्रीट, ट्रैक, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, वैक्सीनेशन की रणनीति का पालन करने का निर्देश भी दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से एक बार फिर से लोगों में दहशत बढ़ गई है। 4 महीनों बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामलों ने केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों के माथे पर भी बल ला दिया है। दरअसल बीते कुछ हफ्तों में कोविड-19 से जुड़े मामलों की संख्या में तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही देश में H3N2 वायरस के मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 राज्यों को माइक्रो लेवल पर स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक भारत में गुरुवार को एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 754 नए मामले सामने आए। देश में कुल एक्टिव कोरोना मामलों की संख्या 4623 पर पहुंच गई है। इससे पहले बीते साल 12 नवंबर को कोरोना संक्रमण के 734 मामले एक ही दिन में सामने आए थे। आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में तेजी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 6 राज्यों को अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जांच, निगरानी और बचाव के उपायों को लेकर निर्देश जारी किया है। इन 6 राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। केंद्र स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि महाराष्ट्र में बीते एक हफ्ते में संक्रमण के मामले 355 से बढ़कर 668 हो गए हैं। गुजरात में कोविड-19 के मामले 105 से बढ़कर 289, तेलंगाना में 132 से बढ़कर 267, तमिलनाडु में 170 से बढ़कर 258 और केरल में वायरस के मामले 434 से बढ़कर 589 हो गए हैं। वहीं पर कर्नाटक में संक्रमण के मामले 493 से बढ़कर 604 हो गए हैं और इन तमाम बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन 6 राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि लगातार इन राज्यों में मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।